औरतों की इज्जत से खेलने वाला अब है कानून के शिकंजे में। देश छोड़ के भागने वाला आ गया है पुलिस की गिरफ्त में। एक सफेद पोश बाप बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दिनों भूचाल ला दिया है, उसका अंत अभी बाकी है। ये मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद देवगौड़ा के बेटे एच डी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। उन पर अपने ही घर में ना सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने, बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। यौन शोषण और सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिरा जेडीएस से निष्कासित हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट आया है। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनट बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। वह 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर जिस टीम ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया, उसमें सभी महिला सदस्य शामिल थी। एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि वह जर्मनी के म्यूनिक से बेंगलुरु आए विमान से जैसे ही उतरे, खाकी वर्दीधारी महिलाओं ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी वारंट को क्रियान्वित किए जाने की प्रक्रिया के तहत उन्हें महिला पुलिस कर्मियों के दल ने घेर लिया। इस दल का नेतृत्व 2 आईपीएस अधिकारियों सुमन डी पेनेकर और सीमा लाटकर ने किया। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को एक जीप में सीआईडी कार्यालय ले जाया गया। जीप में केवल महिला पुलिस कर्मी ही थी। क्यों उठाया ये कदम, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर महिला पुलिस वालों ने ही उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। एसआईटी के एक सूत्र ने कहा, प्रज्वल को गिरफ्तार करने के लिए सभी महिला अधिकारियों को भेजने का कदम जानबूझकर उठाया गया। इस कदम से यह संदेश दिया गया कि एक नेता ने एक सांसद के रूप में अपने पद और शक्ति का महिलाओं के खिलाफ दुरुपयोग किया और उन्हीं महिलाओं के पास कानूनी कार्रवाई के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार है। सूत्र ने कहा कि इसके जरिए पीड़िताओं को एक प्रतीकात्मक संदेश भी दिया गया कि महिला अधिकारी किसी से नहीं डरती। इस बीच अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे कितनी सजा होगी, साथ ही रेवन्ना पर अब तक कितने केस किन धाराओं के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं प्रज्वल केस में अब तक क्या क्या हुआ है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस अब तक 3 अलग अलग केस दर्ज कर चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना हो गया है गिरफ्तार, अब आगे क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रज्वल के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है। इसमें उसे मुख्य आरोपी ना बनाकर सहायक आरोपी यानी कि आरोपी नंबर में रजिस्टर किया गया। इसमें प्रज्वल के पिता एच डी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं, जो इस समय जमानत पर हैं। दूसरा केस सीआईडी ने रजिस्टर किया है। यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ। इसमें 44 साल की महिला ने कई बार दुष्कर्म करने का आरोप प्रज्वल पर लगाया। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की महिला कार्यकर्ता ने ही लगाया है। तीसरा केस भी दुष्कर्म का है जो एसआईटी ने दर्ज किया है। इसमें पीड़िता की उम्र 60 साल के आसपास है। तीनों ही मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 354B, 354C, 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। आरोप साबित हुए तो कितनी सजा होगी, चलिए ये भी जान लेते हैं। आईपीसी की धारा 354A, इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है।
जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 354D गलत नियत से किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है। आईपीसी की धारा 509 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। पिता एचडी रेवन्ना का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे भी एक विधायक हैं। वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 4 से 5 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि 4 से 5 साल पुरानी कोई चीज उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पर उनसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि चाहे मामला 4 साल पहले का हो या 5 साल पहले का हो, चीज तो गलत है। एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है, उसकी इज्जत के साथ खेला गया है। चाहे अभी का मामला हो चाहे पुराना मामला हो, एक्शन तो लेना जरूरी है, सजा तो मिलनी जरूरी है। इधर रेवन्ना को कोर्ट ने 6 जून तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम उसका ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की है। ये पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आता अगर 47 साल की महिला इस पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं करती। वो महिला कोई और नहीं बल्कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली मेड है। उस महिला ने प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं बल्कि उनके पिता और विधायक एचडी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के संगीन इल्जाम लगाए हैं। महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद रेवन्ना उसे अपने कमरे में बुलाने लगे। घर में कुछ 6 महिला कर्मचारी थी और सभी बहुत घबराती थी। उनका कहना था कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर आते हैं तो उन सभी को डर लगता है। घर के पुरुष स्टाफ ने भी महिला स्टाफ को उनसे संभल कर रहने के लिए कहा था। देवगौड़ा परिवार की नौकरानी ने आगे बताया कि जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर जाती थी तो वह घर की महिला कर्मचारियों को स्टोर रूम में बुलाकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे। शिकायतकर्ता महिला ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की। अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।